नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसमें 80/20 प्लस जो नोरसेट के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। 80/20 के बारे में भी कुछ डिटेल से बताया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये एक बेड न्यूज है 80/20 वालों के लिए। तो बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल से। और इसका जो नोटिफिकेशंस है वो एम्स दिल्ली के द्वारा रिलीज किया गया है। और ये नोटिफिकेशंस अभी आउट किया गया है, और ये नोटिफिकेशंस के अंदर 80/20 का पूरा ब्यौरा दिया गया है, जैसा कि आपको मैं अभी पूरा रीड करके बताने वाला हूँ। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस है उसके बारे में और बात करेंगे, और क्या क्या नेक्स्ट जो नोरसेट 2020 कब आने वाला है, ये भी 21 कब आने वाला है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आज ही रिलीज हुआ है, तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे। फ्रेंड्स, ये वही नोटिफिकेशंस है जो एम्स दिल्ली के द्वारा रिलीज किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भर्ती प्रकोष्ठ के बारे में कुछ बताया गया, अंसारी नगर न्यू दिल्ली, जो यहाँ पे दिया गया है। दिनांक 9 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था, बट अभी ये रिलीज किया गया है, जिसका आप फाइल क्रमांक भी देख सकते हो। विषय क्या रखा गया है कि गिवरेंस संख्या जो की दी गई है के संदर्भ में, जो भी गिवरेंस संख्या है उसके संदर्भ में ये इसमें बताया गया है। तो इसमें पूरा डिटेल से बात करेंगे, इसको मैं आपको रीड करके बताने वाला हूँ कि नोटसेट 2020 के बारे में क्या बताया गया, 80/20 के बारे में इसमें क्या बताया गया, पूरा डिटेल से बात करेंगे। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मन के अंदर वो सारे इसमें आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो आपके पत्र संख्या जो इसमें दिया गया है, शिकायत प्रकोष्ठ दिनांक 2/6/2021 के संदर्भ में ये सूचित किया जाता है कि एम्स हर साल स्थायी आधार पर स्थायी नर्सों की भर्ती करता रहता है। किसी ने शिकायत की थी उसके बारे में ये नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान नर्सों की आवश्यकता में अचानक वृद्धि हुई। जब कोविड सेकेंड वेव आई, तब नर्सों की जो वैकेंसी थी उसके अंदर नर्सों की डिमांड बढ़ने लगी, तो हमने तब नर्सों को भर्ती करने के लिए योजना बनाई थी। जिन्होंने नोरसेट परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन अधिक नर्सों की मांग को पूरा करने के लिए और रिक्त पदों के अंतर को कम करने के लिए सुविधा के आधार पर नर्सों को भर्ती करने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई थी। उस समय हमारी स्थायी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, और जिन नर्सों ने नोरसेट 2020 मेरिट में योग्यता हासिल की थी उन्होंने ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया, और आखिरकार हम उन नर्सों के साथ प्रबंधन करने में सक्षम हो गए जिन्हें स्थायी आधार पर भर्ती प्रक्रिया किया गया था। हमें सुविधा के आधार पर नर्सों की नियुक्ति नहीं करनी पड़ी, क्योंकि नोरसेट 2020 जब आया तो उन्होंने जो कैंडिडेट्स उसमें क्वालिफाई हुए उनकी मेरिट लिस्ट निकाली गई, और उसके बाद में उनको ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया गया, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो वैकेंसी निकालने वाले थे उसको वहाँ पर स्थगित कर दिया गया था। क्योंकि वहाँ से उनकी डिमांड पूरी हो चुकी थी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट दिया गया कि एम्स स्थायी आधार पर नर्सों को नियुक्त करता है, लेकिन सुविधा के आधार पर नियुक्त करने का विकल्प और आवश्यकता पड़ने पर हमेशा रोगी देखभाल का प्रबंधन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि आपात स्थिति में स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया का हमेशा पालन नहीं किया जा सकता। जब कोई भी आपात स्थिति आती है तब स्थायी वैकेंसी नहीं निकाल सकते, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी लेके उसको सामना किया जाता है। इसके अलावा जहाँ तक लैंगिक आरक्षण की बात है, जो 80/20 है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, 80/20 के बारे में बताया गया है कि इसके अलावा जहाँ तक लैंगिक आरक्षण की बात, यह एक नीतिगत फैसला है और इस पर वर्तमान में पुनः विचार करना संभव नहीं है। मतलब इस टाइम में इसका विचार करना संभव नहीं है, इसका फैसला पहले आ चुका है। उपरोक्त के संदर्भ में संबंधित शिकायतों को पोर्टल पर निपटान कर दे। ये जो पोर्टल दिया गया है PMOPG और DHLTH में जो पोर्टल है इसमें इसका निपटान कर दे, इसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं कि इसका जो 80/20 है वो तो यहाँ पे रहने वाला है, इसका कोई भी अभी फैसला नहीं आने वाला है। 80/20 जो रहने वाला नोरसेट 2021 के अंदर, नोरसेट 2021 के अंदर भी 80/20 रहने वाला है। और इसका अभी कोई फैसला ऐसा नहीं बताया गया कि ये हटने वाला है या नहीं हटने वाला है, 80/20 फिक्स है अभी तक तो। और नेक्स्ट बात करते हैं नोरसेट 2021 के बारे में कि नोरसेट 2021 कब आने वाला है। तो नोरसेट 2021
अगर वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है 1 से 10 सितंबर के बीच में अगर रिलीज कर दिया जाता है तो सितंबर में इसका एंड तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, सितंबर में एंड तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर सितंबर के अंदर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है नोर सेट 2021 का, तो इसका जो नोटिफिकेशंस है वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। ओके, नवंबर के अंदर देखने को मिलेगा। और इसका एग्ज़ाम है जो दिसंबर 2021 के अंदर होने वाला है। तो ये थी इसकी एक अपडेट जो कि गुप्त सूत्रों से पता चला है कि अगर सितंबर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है तो एंड सितंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और जो अक्टूबर है उसमें आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और यदि अक्टूबर तक इसका या सितंबर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया जाता है तो नवंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा और दिसंबर 2021 के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा और एंड या दिसंबर या जनवरी के अंदर इसकी जो पोस्टिंग है जो आपको दे दी जाएगी। वैकेंसी गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि जो वैकेंसी है इसमें लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इस बार आने वाली है, क्योंकि जो COVID-19 है उसकी जो थर्ड वेव है उसको देखते हुए आप वैकेंसी का जो पीरियड वैकेंसी है जो उसको बढ़ा दिया गया है। 5,000 से 10,000 जो वैकेंसी है इस बार आने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक कंप्लीट वैकेंसी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था। किसी ने इसके संदर्भ में जो गिवरेंस डाली थी उसके संदर्भ में इसको विषय दिया गया है कि गिवरेंस जो PMO PG के अंदर जो पोर्टल है उसमें किसी ने गिवरेंस दी थी तो उसके आधार पर इसको नोटिफिकेशन निकालना ज़रूरी था। और इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज होने वाला है नोर सेट 2021 का सितंबर में। अगर सितंबर में नहीं होता है तो दिसंबर में आपका या नवंबर में आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने वाला है। 5,000 से 10,000 जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन जल्दी इसका रिलीज होने वाला है। ओके, और आपको कंटिन्यू इसकी तैयारी करते रहना है। सबसे पहले इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसका आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है प्रीलिम्स के लिए। सेकंड है जो प्रायोरिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि एनक्लेक्स के जो क्वेश्चंस हो गए सारे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। सेकंड मौसमी के जो क्वेश्चंस है वो भी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो इमेज बेस्ड प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस। और थर्ड का जो इसका क्राइटेरिया रखा गया है मैथ रीजनिंग और GK। ओके, मैथ रीजनिंग और GK को आपको कंप्लीट रख देना है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या फॉर्मूला अपनाना है, पढ़ते रहना है। ओके, पढ़ते रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई डिप्रेशन में ना जाए। ओके, पढ़ते रहना है। ओके, ये था एक कंप्लीट वे इसके नोटिफिकेशंस के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद फ्रेंड्स।